मानी गेट अप प्लीज। बढ़िया सा हमारी गुड मॉर्निंग पीपल्स, तो ये है आज के दिन की शुरुआत। आज का व्लॉग स्टार्ट करते यहीं से। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग विद अनदर डे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो आज के इस व्लॉग में मैं शेयर कर रही हूँ अपना होल डे रूटीन, माय मॉर्निंग 5 o'clock टू नाइट तक का। आज मैंने पूरे दिन क्या किया और कैसा मेरा रूटीन रहता है दो बच्चों के साथ। तो वही, तो मॉर्निंग का टाइम हो गया है, फिर फटाफट से मैं फ्रेश अप हो गई हूँ और अभी लेते हम लोग गर्म पानी, फिर वो करते हैं बच्चों का टिफ़िन रेडी और फिर उसके बाद जो अपनी आगे की दिनचर्या रहेगी वो मैं इस व्लॉग में कंटिन्यू करूँगी। आप प्लीज़ इस व्लॉग को कम्प्लीटली देखिएगा और फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको कैसे लगा। तो चलिए करते हैं आज के दिन की शुरुआत। जय भोलेनाथ। तो यस फ्रेंड्स, यहाँ मैंने ले लिया है पानी और फटाफट से मैं गरम कर लेती हूँ, क्योंकि मैं सुबह सुबह लेमन हनी या फिर कभी जीरा वाटर, कभी सॉफ्ट वाटर ऐसे लेती हूँ। तो आज मैं सादा ही ले रही हूँ पानी, और एक साइड में दूसरे बर्तन में मैंने यहाँ पे बच्चों के लिए पास्ता बॉयल करने के लिए रख दिया, बिकॉज टिफ़िन में मैं आज देने वाली हूँ पास्ता। तो बहुत से लोग सोचते होंगे मैं रोटी सब्जी क्यों नहीं देती हूँ, बिकॉज रोटी सब्जी के टाइम बच्चे घर आ जाते हैं। मोस्टली मेरे बच्चों को हैबिट है, मतलब हम लोग घर में सब 1 बजे के आसपास खाना खाते हैं लंच, और सुबह ब्रेकफास्ट कर लेते हैं अच्छे से, तो बच्चों को भी उसी टाइम के लंच की आदत है और उस टाइम बच्चे घर आ जाते हैं 1:15 तक। तो घर आकर मैं अच्छे से खिला देती हूँ, तो फिर मैं टिफ़िन में देती हूँ, एक फ्रूट ब्रेक होता है बच्चों को और एक लंच ब्रेक। तो लंच ब्रेक में मैं इस तरीके का कुछ पैक करती हूँ और उसके साथ कुछ वेगीज़ वगैरह ऐड कर देती हूँ, आप देख सकते हो आगे टिफ़िन में। और मैं ऐसे रोज के अपने बच्चों के टिफ़िन के मेन्यू भी मेरे अपने आने वाले व्लॉग्स में शेयर किया करूँगी, ताकि मोस्ट ऑफ द मॉमीज़ को, जो न्यू मॉमीज़ स्पेशली, उन्हें हेल्प हो जाए। तो यहाँ पर गर्म पानी ले लेती हूँ, जो कि मैं बैठ कर पीना है हमें। यहाँ पे योगा मैट डाल लिया है अपना, थोड़ा सा गर्म पानी लेते हैं, फिर थोड़ा मेडिटेशन करेंगे और एक पॉजिटिव माइंडसेट सेट करेंगे पूरे दिन के लिए, एक एनर्जी रिकॉल करेंगे, और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा योगा, और फिर लग गई थी मैं अपने काम पर। वहाँ पे मेरा पास्ता एक साइड में बॉईल हो रहा था, तो यहाँ पे मेरा थोड़ा सा बॉडी स्ट्रेचिंग और ये सब योगा करके मैं अपना वाइंड अप कर लिया। यहाँ पे मेरा पास्ता अच्छे से बॉईल हो चुका है, अब मैं इसे गैस को बंद करके और फिर बाद में मैंने इसे कर लेने हैं, इसका पूरा पानी निकाल देना है। एक साइड में मैं अपने बच्चों के लिए टमाटोज, क्यूक्यूम्बर, एप्पल, ये जो भी थी वेगीज जो मैं देने वाली थी वो भी वॉश कर रही थी। तो यहाँ पे बच्चे टिफ़िन में मोस्टली प्रेफर करते चेरी टमाटोज, बड़े जो टमाटो होते वो कट करके देते, तो वो थोड़े सॉगी टाइप्स हो जाते जो बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं आते टिफ़िन में। तो फिर यहाँ पर चेरी टमाटोज ही लाती हूँ, प्रेफर करती मैं बच्चों के लिए मोस्टली टिफिन में। तो यहाँ पे क्यूक्यूम्बर, एप्पल, ये सब कुछ मैंने वॉश कर लिए थे, और साथ ही साथ फिर मैंने यहाँ पे अपना जो पास्ता था उसका भी पानी निकाल दिया था। अभी निकालने के बाद मैं फटाफट से बना लूँगी पास्ता, जो कि एकदम सिंपल टच में एकदम फीका वाला बनाना है, बिकॉज बच्चे बिल्कुल भी तीखा नहीं खाते। तो बस इसी तैयारी में, सुबह सुबह का टाइम जो होता है ये काफ़ी भाग दौड़ वाला टाइम होता है, अभी बच्चे सो रहे थे, मैं 1 घंटा पहले उठकर ये सारी चीज़ें वाइंड अप करती हूँ, फिर बच्चों को उठाती हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा बटर लेंगे इस बर्तन में, और बस बटर ऐड किया, फिर उसके बाद जैसे ये बटर मेल्ट हो गया, पूरा पास्ता मैंने इसमें ऐड कर दिया, थोड़ा सा पास्ता मसाला फीका वाला और ओरिगिनो, थोड़ा सा ब्लैक पेपर और नमक, बस इतना ही सब कुछ मिलाकर ये पास्ता मैंने यहाँ पर बना दिया था। यहाँ मैंने कुछ इस तरीके से गोल स्लाइस में क्यूक्यूम्बर्स कट कर ली थी, और बस फिर टिफ़िन में पैक कर दिए थे बच्चों को। तो इस तरीके से मैं एक एवरीडे, मतलब बहुत से टाइम पे अलग अलग वैरायटीज़ इस तरीके से ट्राई करती हूँ, 2-3 टाइप के, थोड़े थोड़े छोटे छोटे से और थोड़े से हेल्दी, कुछ हेल्दी कुछ मतलब ऐसे स्नैक्स टाइप, ऐसे ऑप्शंस प्रेफर करके बच्चों को टिफ़िन में पैक करके दे देती हूँ। तो जो पिंक टिफ़िन है ये वाणी का है, एंड ग्रीन वाला टिफ़िन जो है वो रिदम का है।
तो बच्चे शौक से खा भी लेते हैं और मज़े भी हो जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा चाट मसाला टमाटो पे डाल दूँगी मैं ताकि खाते टाइम और भी अच्छा लगे। यहाँ पे टाइम आ गया था अब टिफ़िन पैक करने का। तो आप भी जब बच्चों के लिए टिफ़िन पैक करते हो और आपकी अगर आप भी ऐसी मॉम्स हो जिसको कंप्लेन होती कि बच्चे टिफ़िन खाकर नहीं आते, तो माय एडवाइस इज़ दैट कि एज़ पर एक्सपीरियंस माय एक्सपीरियंस बच्चों को जितना हो सके टिफ़िन कलरफुल करके दो। जब वो कलरफुल दिखता है, अभी आप देख सकते हो कि ये टिफ़िन मैंने कलरफुल लाइक रेड ग्रीन येलो इस तरीके का कुछ कॉम्बिनेशन, तो मतलब देखने में इतना अट्रैक्टिव लगता है, तो बच्चे भी उस तरीके से बच्चों को भी वो देख के कलरफुल मतलब वो खुश होते हैं और डेफिनेटली वो खाना प्रिफर करते हैं। और बस फिर यहाँ पे वाटर बॉटल्स भर दी थी, एप्पल दे दिए थे फ्रूट ब्रेक के लिए, और यहाँ पे टाइम आ गया था पैक करने का। तो टिफ़िन के साथ साथ एक नैपकिन रखती हूँ मैं ताकि जब भी बच्चे खाना खाते तो वो नीचे बिछा कर अच्छे से खाए। तो इस तरीके का एक टेबल मैनर्स बच्चों में आए, तो इस तरीके के डिसिप्लिन हमें धीरे धीरे बचपन से ही इनकलकेट करनी पड़ती है, तब जाके उन्हें हैबिट होती है। तो यहाँ पे दोनों के टिफ़िन मैं कर चुकी थी पैक और अब बैग में रखने का टाइम आ गया है। तो यहाँ पे टिफ़िन वगैरह पैक करके यहाँ मैं अपने लिए और हस्बैंड के लिए बना रही थी चाय, क्योंकि मॉर्निंग में तो भाई एक चाय चाहिए स्टार्टअप के लिए, पर सबसे पहला प्रेफरेंस होता है बच्चों का एक बार स्नैक्स अच्छे से पैक हो जाए, तो वो सब करके यहाँ पे वाणी भी उठकर आ गई थी। चलो गेट रेडी फास्ट फास्ट फास्ट, चलो वी आर रनिंग लेट, लेट्स गो। तो बस यहाँ पर बच्चों को नहलाकर और सब कुछ वाइंड अप करके बच्चों को ब्रश वगैरह करवा दिया, नहला दिया, यूनिफॉर्म वगैरह पहना के रेडी कर रही थी और बस यहाँ पे सॉक्स बना दिए। रिदम थोड़ा अपने आप से रेडी हो जाता है, थोड़ी कुछ चीज़ों के लिए मुझ पे डिपेंडेंट है, वानी टोटली मुझ पे अभी डिपेंड है। तो यहाँ पे वानी की कर रही हूँ मैं पोनी चाय, यहाँ पे वानी हो गई कम्प्लीटली रेडी, अब ये कर रहे भगवान जी को जय जय प्रणाम, आशीर्वाद लेंगे भगवान जी का और बस फिर स्कूल के लिए चलेंगे। यहाँ पे 5 मिनट टाइम था तो यहाँ फटाफट से मैं अपनी चाय ले लेती हूँ और बस उसी के बाद बच्चे भी अपना दूध पी रहे और फिर चलते हैं बच्चों को ड्रॉप करने के लिए। बस फिर यहाँ घर आकर मैं लग गई थी अपने दूसरे कामों में, मतलब पहले कपड़े लगाने थे मुझे, यहाँ पे मशीन लगा दिए फटाफट से, अब करेंगे हम लोग मॉर्निंग का पूरा किचन क्लीन। यहाँ ब्रेकफास्ट ख़त्म करके मैंने किया किचन का क्लीनिंग और यहाँ पे पूरी तरीके से मैंने किचन स्लैब और सारे डिशेस और ये सब कुछ क्लीन कर दिया है और घर की सारी क्लीनिंग एंड डस्टिंग यहाँ पे ख़त्म हुई और काम करके किया वाइंड अप। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट टास्क, यहाँ पे कपड़ों की मशीन लगी हुई है, नेक्स्ट टास्क विल डू
कि हम लोग अब लंच का प्रिपरेशन करेंगे। तो अभी हमारा डस्टिंग, क्लीनिंग और सारा काम, मतलब ए टू जेड जो मॉर्निंग का एक माइंड अप होता है वो सारा हो गया है। तो अब टाइम है हमारा लंच बनाने का। आज मैं लंच बनाऊंगी। लंच में आज बनेगा कॉलीफ्लावर और चपाती विद रायता। रायता आज मैं क्यूक्यूबर और ऑनियन का बनाऊंगी, जिसके लिए मुझे क्यूक्यूबर और ऑनियन चॉप करने पड़ेंगे और ये सब कुछ चीज़ें। तो चलिए देखते हैं मैं किस तरीके से अपने मील प्रिपरेशन करती हूँ। तो लेट्स गो। ये जो कॉलीफ्लावर है मेरे पास काफ़ी मतलब बड़ा है फॉर माई फैमिली, इतना नहीं चाहिए। तो मैं इसे हाफ पोर्शन ले लूँगी बिकॉज इसमें एक पोटैटो भी आएगा, क्योंकि बच्चों को जो है कॉलीफ्लावर पोटैटो के साथ अच्छा लगता है। This portion is sufficient for me. हम लोग इसे अच्छे से बॉईल होने देते हैं, तब तक मैं नेक्स्ट फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि बच्चों का आने में अभी टाइम है। एक घंटा मेरे पास है अभी, जिसमें मुझे रोटियाँ भी बनानी है, सब्जी बनानी है और बच्चों को पिक करने जाना है और ये सब कुछ। तो हम लोग कर लेते हैं सारी चीज़ें माइंड अप फटाफट से। अभी कैसे ना, जस्ट फर्स्ट डे ऑफ स्कूल है, लाइक आफ्टर 2 मंथ्स, 2 महीने के ब्रेक के बाद आज फर्स्ट टाइम स्कूल चला है। तो आज का मुझे पता है रूटीन थोड़ा सा अप डाउन रहेगा, बच्चे थोड़े थके हुए आएंगे। तो हमेशा तो मैं जब बच्चे आते तभी रोटी बनाती हूँ, बट अभी मुझे पता है आज बच्चों की हालत ख़राब होगी बिकॉज के 2 महीने बाद पूरे वो स्कूल गए हैं और इतना टाइम एक जगह बैठना और सब कुछ। तो आज डेफिनेटली वो थक कर ही आएंगे। तो आने के बाद मुझे उन्हें, मतलब वैसे तो मैं टाइम देती हूँ, बट आज मुझे उन्हें एक्स्ट्रा पैम्परिंग, एक्स्ट्रा टाइम देना होगा। तो बेटर है कि आज भी वो आने से पहले ही रोटी बना कर रख देती हूँ। यस पीपल्स, यहाँ हमारी कॉलीफ्लावर काफ़ी अच्छे से बॉइल हो चुकी है। अब हम इसका जो ये जो एक्सेस ऑफ वाटर है सारा निकाल कर हम इसे लगाएंगे तड़का। Oh,
ब्लैक बोर्ड एंड आई विल आस्क यू सम क्वेश्चंस एंड यू हैव टू राइट आंसर्स ओके टेबल्स मल्टीप्लिकेशंस ओके एंड वानी यू गेट अप वानी वानी गेट अप प्लीज वानी प्लीज वानी डोंट लुक दैट साइड ओके फोर टू जा As you were, whatever is okay for what? You. Four to the. Okay, nine four the. Nine four. You want to go washroom? Yes, please. Vani's hair grown long, friends. Look. If you want remedy like how what I use for Vani's hair, please comment me. I will share what I. What we apply to Vani's hair, right, Vani? Because Vani love long hairs. Mama. Forza. Ah? Ah. In the school today? Today. Today teacher took a test. Okay. Teacher told like do whatever you want. Okay. That's great. बढ़िया से हमारी चाय अच्छे से बॉईल हो चुकी है अब लोग हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा मिल्क तो दुबई में भी इस काइंड का मिल्क मिलता है जो कि लो फैट्स लिए है लो फैट्स और ब्लू कलर होता है फुल फैट्स तो इस पर भी सेम जैसे मैंने बताया लस्सी वैसे दूध का भी डेट मेंशन होता है तो हम लोग इसमें ऐड कर देते हैं मिल्क यहाँ हमारी चाय भी बनती आ रही है थोड़ी सी अच्छे से बॉईल हो जाए फिर हम लगेंगे चाय और फिर बाद में मुझे सिंक के सारे बर्तन जो करवाना था थोड़ी देर रेस्ट और अगर मैं उनके साथ नहीं सोती तो वो भी नहीं सोते तो बेटर मैंने इन सबको छोड़ दिया था और फिर अब हम लोग करेंगे हमारी गर्मा गर्म चाय तो पहले हम लोग चाय का मजा लेते हैं यहाँ पर हमारी चाय अच्छी तरीके से हो रही है बॉयल Today Vani is sad because not sad Vani is tired right क्योंकि आज Vani सुबह सुबह जल्दी उठकर स्कूल गई है फिर स्कूल में खूब सारी मस्ती की है ना Vani को क्या चाहिए अभी दूध चाहिए दूध चाहिए Vani को हाय तो यस गाइस अभी मैंने सारे बर्तन क्लीन कर दिए हैं और ये सारा सब कुछ क्लीन हो गया है यहाँ पे बर्तन धो के रख दिया अब इनको ड्राई होने देते हैं उसके बाद मैं इन्हें जहाँ की वहाँ सेट कर दूंगी और नाइट के लिए डिनर के लिए मैं प्रिपेयर कर रही हूँ अपम आज मैं बनाऊंगी अपे तो फिर यहाँ पे मैं सूजी वाले फिर यहाँ पे मैं सूजी लेती हूँ और सूजी भिगा देती हूँ अभी ताकि मैं बच्चों को जब तक प्ले टाइम दूँ तब तक ये सूजी अच्छे से भीग जाए और मतलब चीज़ें मुझे ऑन टाइम रेडी मिले तो यहाँ पे मैंने गैस वैस ये सब कुछ क्लीन कर दिया और किस किस किसी ऐसी हैबिट है कि जो हर बार मतलब थोड़ा भी कुछ गैस पे करता है तो उनको क्लीन करने की हैबिट है ये चीज़ मुझे है कि मैं थोड़ा भी कुछ करूँ तो मुझे जरूरत है कि बस पहले गैस क्लीन करूँ तो यहाँ पर मैंने फिर से अभी चाय पानी वगैरह हुआ है सब कुछ क्लीन कर दिया है प्लेटफॉर्म भी क्लीन कर दिया था तो अब मैं भिगाती हूँ सूजी तो यहाँ पे मेरे पास जितनी सूजी थी वो मैंने ले ली है ये लस्सी ऐड कर दे पानी मिलाकर इसको मैं अच्छे से
सो ये था मेरा आज मॉर्निंग से 5:30 से तो रात तक का रूटीन. तो कुछ इस तरीके का मेरा होता है दिनचर्या आज का दिन. तो एट लास्ट यहाँ पे किचन पूरा वाइंड अप करके क्लीन करके, मैं किचन रोज़ रात में ही क्लीन करती हूँ बिकॉज कि मुझे मॉर्निंग में जब मैं एंटर करूँ तो मुझे फ्रेश मिले. और जो हाउसवाइफ्स है, जो लेडीज़ हैं, वो समझ सकती है कि मॉर्निंग में जब घुसते से किचन काफ़ी अच्छा लगता है, फ्रेश लगता है. तो एक मूड रिफ्रेशिंग मूड होता है कि हम लोग दिन की शुरुआत काफ़ी पॉजिटिव माइंड सेट से करते हैं. और फिर उसके बाद अभी यहाँ पर नाइट में करती हूँ मैं थोड़ा सा अपना स्किन केयर और लिप ग्लॉस लगा लिया जो कि या लिप केयर और स्किन केयर. और इसी के साथ बस आज के ब्लॉग का करते हैं द एंड. मिलते हैं न्यू ब्लॉग में न्यू रूटीन के साथ. तब तक के लिए टाटा बाय बाय गाइज़.